आपके क्षेत्र में और कोई समस्या है? हाँ, किसी को काम नहीं मिलता है तो शहर जाते हैं, और यहाँ कोई फैक्ट्री भी नहीं है, दूर दूर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कहीं कहीं भी, हर जगह आते जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशु, फ्यूचर ऑफ इंडिया, आवर स्कूल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सभी जगह, गली मोहल्ले, गाँव में इसी के बारे में चर्चा हो रहा है, चौराहे पर भी। आइए हम भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिबा है। साकिबा जी, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हमारा उम्मीदवार ईमानदार हो, पूरे जनता की बात सुने और हमारे जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उसको सुलझाए, ऐसा हमें प्रत्याशी उम्मीदवार चाहिए जो हमारी पूरी तरह से बात सुन सके। आपके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कत है? हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल भी नहीं है, दूर जाना पड़ता है, कहीं सिद्धार्थ नगर, कहीं पीछे दूर, बहुत लगभग 14-15 किलोमीटर दूर, और स्कूल एक डिग्री वाला वो भी जरूरी है। ऐसे बहुत से जो 2-3 समस्याएं हैं उसको सबको सुलझाना हमको ऐसे ईमानदार चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री बनवा दे तो किसी को जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर कर लेंगे काम। आप लोगों का कोई संदेश है? हमारा संदेश यह है कि पहले मतदान फिर कोई काम। हमारा संदेश है कि पहले मतदान फिर आराम। हमारा संदेश है कि पहले मतदान फिर जलपान। सभी लोग अपने बूथ पर जाए और वोट जरूर दे के आए, क्योंकि वोट देना बहुत जरूरी है। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर आराम, पहले मतदान फिर कोई काम, पहले मतदान फिर आराम, पहले मतदान फिर जलपान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।